ये 2020 से हम लोग जो चक्कर मार रहे हैं, विभाग जो है कान में ढेला रख के सोया हुआ। विभाग का कहना है कि हम कर रहे हैं प्रक्रिया, लेकिन 2020 से हम लोग आ रहे हैं और वो कह रहे हैं एक सप्ताह बाद आओ, 10 दिन बाद हो जाएगा। और पदाधिकारी मिलने के लिए भी नहीं हम लोग से चाहते हैं। बैठते हैं DDC कार्यालय में, जाते हैं तो सर के पास हम लोग आग्रह करते हैं कि सर हम लोग मिलने के लिए आए हैं, फिर भी वो नहीं मिलते हैं, उठ के चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग बोलते थे कि शिक्षा विभाग में जब रिक्ति कम थी तो बोलते थे कि सबका नियोजन एक साथ होना है, तो हम लोग पटना जाके बिहार सरकार से आग्रह करके वहाँ से 6421 सीट हम लोग सृजित करवाए, जिसमें हमारे ज़िला को 318 सीट मिला। फिर भी यहाँ ये लगभग एक महीना हो गया, यहाँ एक महीना से हम लोग फिर भी चक्कर मार रहे हैं, अभी भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा। कभी DO साहब के पास जाते हैं, कभी DPO साहब के पास जाते हैं, जिलाधिकारी जी के यहाँ गए, DM साहब के यहाँ, वहाँ आवेदन दिए हैं। DDC साहब साफ इस विषय में आगे अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग बैठेंगे या तो आत्मदाह करेंगे। अगर विभाग हमारी बात को स्वीकृति नहीं देती है तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। क्या नाम है आपका? रामनाथ रमन। अनुकंपा आश्रित हैं हम लोग, और 2019 में मेरे पिताजी एक्सपायर किए थे, और उस समय से लगातार जिला में दौड़ रहे हैं 2020 से, और अभी तक हम लोग का बहाली नहीं हो पाया है। 2020 में जो है सो कुछ रिक्ति आया जिसमें 22 आदमी का बहाली होना था, वो भी नहीं हो पाया अभी तक। और हम लोगों का बोला गया कि रिक्ति नहीं है, हम लोग राज्य में दौड़ कर जो है रिक्ति भी लाने का काम किए हैं, जो 6421 सीट जो है स्वीकृत हो चुका है अनुकंपा के लिए। अब यहाँ जिला में जब आ रहे हैं पदाधिकारी, मिलने से भी जो है सो कतरा रहे हैं, मिलना नहीं चाहते हैं। जिला परिषद में जा रहे हैं, वहाँ भी जो है सो कहते हैं जो पदाधिकारी जो है फाइल मांगेंगे तब न भेजेंगे, यहाँ से फाइल जो है नियोजन कहीं रिक्ति हम लोग का भेज दिया जाए और वहाँ बहाली हम लोग का शुरू करवाया जाए। सर सर हम लोग की हमारा नाम सुखराम कुमार है। सर हम लोगों का जो मामला है अनुकंपा पे नियोजन का मामला है, हम लोग सर गत 10 वर्ष से शिक्षा विभाग और विभिन्न जिला परिषद नियोजन इकाई और DDC के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, पर आज तक हम लोगों का नियोजन नहीं हो पाया। 2020 में एक नियमावली आई भी और रिक्ति भी आई, 1178 रिक्ति आई जिसमें से समस्तीपुर जिले को मात्र 55 सीट मिला। उसमें भी एक नया नियमावली, उसमें क्या था कि अधिकतम 50% पे अनुकंपा पे बहाली की जाए, उसमें से 55 सीट था, 22 सीट पर बहाली होनी थी। जिला परिषद को 44 सीट मिला था, उसमें 22 सीटों पर बहाली होनी थी, मगर आज तक जबकि जिला परिषद जबकि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उनको रिक्ति भी दिला दिया गया, रोस्टर भी दिला दिया गया, मगर आज तक बहाली नहीं की गई DDC द्वारा और जिला परिषद नियोजन इकाई द्वारा। बोला गया कि रिक्ति कम है, सीट कम है, आप लोगों का आवेदन ज़्यादा है। वाकई में आवेदन ज़्यादा था, हम लोग 280 के करीबन संख्या में थे और सीट मात्र 22 था। अभी सर पूर्व में 318 सीट 6421 पूरे बिहार में सृजित हुआ है, इसमें 318 सीट समस्तीपुर ज़िले को मिला है सर। इससे हम सब लोगों का नियोजन हो जाएगा, हम यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हम सभी लोगों का नियोजन कर पाए। यहाँ अधिकारी क्या बोलते हैं? बस अधिकारी टाइम पे टाइम दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, हम लोग को बस गुमराह कर रहे हैं। आ जाइए, कल आइए, एक सप्ताह बाद आइए, होली के बाद आइए, दिवाली के बाद आइए। क्या नाम है? मेरा नाम अमन पाठक हुआ, हम सभी अनुकंपा आश्रित। यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे थे कि वो पिछले कई सालों से जो है अनुकंपा पे नौकरी को लेकर के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, क्या कुछ इसको लेकर के कार्यालय? इधर हाल ही में आठ दस दिन पहले शिक्षा विभाग से 318 पद जो है सहायक विद्यालय सहायक के लिए आया था, तो अनुकंपा पर अब जो भी बहाली होना है विद्यालय सहायक और परिचारी के पद पर होना है, तो उस पद पर रोस्टर क्लियर होगा उसके बाद होगा बहाली। तो रोस्टर क्लियरेंस RDD से होता है, हम लोग रोस्टर बना रहे हैं, RDD से अनुमोदन लेके फिर नियोजन इकाई को भेजेंगे, जिला परिषद हो या नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, वह बहाली करेगा, रोस्टर क्लियर करके पद उनको वितरण करेंगे, तब वहाँ से आवेदन होगा। ये हम लोग एक सप्ताह 10 दिन में कर लेंगे, रोस्टर भेज देंगे सब जगह।